नमस्कार दोस्तों। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, हुआ वही बिग बॉस मराठी में। जैसे कि हमें पूर्वानुमान हो चुका था कि मेघा नॉमिनेट होंगी, और हुआ भी वही। बिग बॉस हमेशा कहते हैं कि आप लोग एक मत से डिसीजन लो, एक मत से, एक राय। लेकिन बिग बॉस के घर में एक राय एक मत तो कभी होता ही नहीं है। यहाँ तो बहुमत की सरकार चलती है, और इसी बहुमत की सरकार ने मेगा को नॉमिनेट कर दिया और रेशम टिपनिस को सेव कर दिया। यहाँ सबसे बड़ी हिपोक्रेसी एक्सपोज अगर किसी की हुई है तो वो हुई है हर्षदा जी। हर्षदा जी ने आते से ही बड़ी बड़ी बातें की थी, उन्होंने फुल ऑन नेगेटिव रेटिंग दी थी रेशम को, लेकिन यहाँ वो सबसे पहली इंसान थी जिसने रेशम को हक किया एंड ब्लंट तरीके से बोल दिया कि मैं तो रेशम को सेव करूंगा। ऑब्वियस सी बात है, उसने इतने अच्छे काम किए हैं, दुनिया में इतना अच्छी इमेज बना रखी है, तो क्यों नहीं उसको सेव करूंगा। यहाँ अस्ताद हो, जुई हो, सुशांत हो, सुशांत के तो वेले ही रीजन थे कि वो राजेश गया है, उसका थोड़ा सा इनको पीस दो, थोड़ा टाइम दो, अपने आप को समझने का, सुधरने का इनको टाइम देना चाहिए। मेघा को नॉमिनेट कर दो। मेघा के बारे में कई और भी बातें की गई कि वो क्या बोलती है, कल को कुछ और बोलती है, आज कुछ और बोलती है, उसको कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट देती है। आई थिंक ये चीज आस्था दिन बोली थी शायद। खैर, उषा जी पुष्कर एंड सही, इन्होंने थोड़ा एफर्ट किया मेघा को सेव करने के लिए। लेकिन यहाँ पर, और जब सही का नॉमिनेशन चल रहा था वहां पर भी, एक चीज तो खुलकर आ चुकी कि जब तक आप दमदार पॉइंट्स नहीं रखोगे और खुलकर नहीं बोलोगे, सामने वाले आपको दबाते रहेंगे। सही को डिफेंड करने के लिए भी पुष्कर के पास कोई बहुत पॉइंट्स नहीं थे, और ना ही वो उस तरीके से पॉइंट रखता है। मेगा के मैटर में भी वो एकदम दबी जबान में चुप हो गया रहेगा। सही ने थोड़ा बहुत अपोज किया उस चीज का, लेकिन 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 बहुमत की सरकार है और आप पॉइंट्स भी ऐसे नहीं रख रहे हो। सही ने बहुत अच्छे पॉइंट रखे थे वैसे, कि उसको हर वीक निगेटिव रीडिंग मिलती है, उसके बाद भी आप लोग उसको डिफेंड कर रहे हो। चाहे घर के काम की बात हो या टास्क की बात हो, मेघा ने हमेशा अच्छे से बिहेव किया है, अच्छे से परफॉर्म किया है। रेशम क्या करती है, कंबल ओढ़ के सोती है, किसी और के साथ बाथरूम में जाना, ये करना वो करना, बट क्या कह सकते हैं, जब अंदर के लोगों के दिमाग पर एक काला पट्टा बंधा हुआ है, पत्थर पड़े हुए हैं अकल पर, तो फिर कौन कर, तो कोई कर क्या सकता है। तो इवेंचुअली मेघा नॉमिनेट हो गई एंड कहीं ना कहीं उन्हें हर्ट हुआ, एंड उनका हर्ट होना लाजमी है, उनका हर्ट होना लाजमी है। जिस तरह से उन्होंने पुष्कर को भी बताया कि मैं अगर तेरे अगेंस्ट नॉमिनेशन में जाती, या सही के अगेंस्ट, या फिर फॉर अ मैटर वो स्मिता स्मिता के अगेंस्ट अगर नॉमिनेशन में चली जाती तो भी मुझे परवड़ था, बट रेशम टिपनिस के अगेंस्ट मैं नॉमिनेशन में चली गई। बताइए, ये बात ना, ये पॉइंट बहुत सही था। और जिस तरह से मेघा ने बोला कि तुम लोग डिफेंड नहीं करते हो ढंग से, वो भी बिल्कुल सही बात बोली है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये सही, उषा जी एंड पुष्कर, ये तीन थे। एंड पुष्कर को पता नहीं क्या है कि वो बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आकर अपना डिसीजन, अपना स्टैंड चेंज कर लेता है। एंड यही चीज अंदर, फिर इसी चीज की वजह से सही उससे बात नहीं कर रही है। एंड कहीं ना कहीं सही ने जिस तरह से कैमरे में बोला कि शी इज फीलिंग हर्ट, यहाँ तो बहुमत की सरकार चलती है, एक मत कभी कोई होता ही नहीं है, उसने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया है। एंड कहीं ना कहीं अब ये चीज पुष्कर को समझनी पड़ेगी, भैया यहाँ आप जितना दबोगे ना, ये लोग उतना ही दबाएंगे आपको। आप अपने मन के विचार खुल के प्रकट नहीं कर पाते हैं, किसी चीज पर आप खुलकर स्टैंड नहीं ले पाते हो। लोग, चार लोगों ने कोई बात बोल दी तो आप अपना मन डावाडोल कर लेते हो, ऐसा नहीं चलेगा भाई। कोई चीज स्टैंड, किसी चीज पर, किसी बात पर आपने स्टैंड लिया है तो खुल के स्टैंड लो। सिर्फ हम ओके ओके हाँ, मतलब सब नहीं, हाँ ठीक है, मैं कह संग तो ये क्या बिंदास बोल भाई। मतलब पुष्कर का मुझको अब तक समझ में नहीं आ रहा, वो इतना क्यों घबराता है, इतना क्यों नर्वस होता है। ठीक है, तुम सेफ हो गए हो, लेकिन तुम्हारे दोस्त नॉमिनेट हुए हैं। एंड मैं यहाँ आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा, जो भी बिग बॉस मराठी देख रहे हैं, प्लीज वोट कीजिए उषा जी के लिए, मेघा के लिए, सई के लिए। तीन अच्छे लोग हैं जो कि जेन्युइनली बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं घर में, अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। एंड ये रेशम हो या फिर बाकी के जो लोग हैं, ये दिखा चुके हैं कि उनमें ना कोई क्लास है ना कोई कैरेक्टर है। तो उन्होंने पर्पजली एक ग्रुप बनाकर, गैंग बनाकर अच्छे लोगों को नॉमिनेट करवा दिया है। तो प्लीज आप मेघा को वोट करो, सई को वोट करो, उषा जी के लिए वोट करो। एक पब्लिक की तरफ से स्टेटमेंट जाना चाहिए कि भाई आप ग्रुप बनाकर नॉमिनेट तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ बाहर पब्लिक बैठी हुई है, और ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट होगा। खैर, इसके बाद दूसरा दिन शुरू हुआ एंड बिग बॉस ने दे दी मर्डर मिस्ट्री वाली टास्क। अगर आपको याद हो तो ये सेम टास्क पहले भी हो चुकी है। रिसेंटली आई थिंक मनवीर गुर्जर को दिया गया था फोन वगैरह, एंड उसको भी वही सब करवाया था जब शाहरुख खान रईस का प्रमोशन करने आए थे।
तो यहाँ पर कातिल नंबर वन है आस्ताद। आई थिंक उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या और कैसे करे, और जिस तरह से वो बिहेव कर रहा है आई थिंक कोई बच्चा भी समझ सकता है कि भैया यही कातिल है, इससे हमको बच के रहना है। अब इस मर्डर मिस्ट्री में बिग बॉस ने जो कैरेक्टर दिए ना, गुप्तचर के, किलर के, वो भी एकदम परफेक्ट लोगों को दिए। स्मिता को बना दिया गुप्तचर, उन्होंने मोती उठाया तो मोती का कलर वो काला है, डार्क ब्लू है, ब्लू है, क्या है, मुझे करिश्मा तन्ना की याद आ गई भाई गॉड इसको देखकर। मतलब ऐसी हिलेरियस कॉमेडी करिश्मा तन्ना ने की थी एक बार, ये कॉमेडी यही नहीं रुकी, इसके बाद कैमरा दिया गया तो कैसे चालू होता है, लेंस इधर पावर, मतलब बिग बॉस ने भी हथियार डाल दिए कि भैया देवी आप जाओ, आपको समझाने के लिए मेरे पास दिमाग नहीं है। मतलब ऐसे तो गुप्तचर रखे हैं, क्या उम्मीद करोगे इनसे आप। जहां तक इस टास्क की बात है तो आस्ताद ने एक टास्क कंप्लीट कर ली, वो पुष्कर की फैमिली फोटोग्राफ छुपा दी। वहां पर भी अगर आपने ध्यान दिया होगा कि इतने लोग हैं, आई थिंक जब पुष्कर का फोटो छुपा रहा था वो तो मिरर के रिफ्लेक्शन में जुई जाती दिखी थी, एंड सामने रेड ड्रेस में कोई तो था, आई थिंक मोस्ट प्रोबली वो सही होगी। तो मतलब घर वालों के सामने वो कर रहा है, इन दोनों ने देखा ही नहीं, अपनी अलग ही दुनिया में चल रहे हैं। लेकिन मेघा समझ गई, पुष्कर भी समझ गया, हालांकि पुष्कर की गैर हाजिरी में जब वो पुष्कर वॉशरूम में था तब आस्ताद ने उसका फोटो छुपाया। उसके पहले उसने मेघा को रुलाने की कोशिश की, स्मिता को और स्मिता एंड भूषण के थ्रू भी टास्क कंप्लीट करने की कोशिश की, लेकिन ओंधे मुंह गिर गए। एंड मुझे लग रहा है कि आस्ताद ये टास्क नहीं कर पाएगा, एंड स्मिता से गुप्तचर वाला रोल ओह माय गॉड तुमसे ना हो पाएगा, स्मिता तुम तो रहने ही दो। तो ये एपिसोड तो वहीं खत्म हो गया, एंड कल देखेंगे। अब कल क्या, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आस्ताद से भी ये किलर वाला गेम हो ना पाएगा। वो कर जरूर रहा है पूरी शिद्दत के साथ कि कैप्टेंसी का कंटेंडर बन जाए, अगले हफ्ते की नॉमिनेशन से बच जाए, तो वो अपनी तरफ से बेस्ट दे जरूर रहा है। लेकिन उसके पूरे बॉडी पे, पर्सनैलिटी पे, चेहरे पर लिखा है बोल्ड एंड कैपिटल्स में कि हाँ भैया मैं ही कातिल हूँ, मुझसे बच के रहो। उसके हाव भाव, जेस्चर, सब कुछ बता रहा है। पुष्कर ने तो कह भी दिया था क्या एक्टिंग कर रहा है, ओवर एक्टिंग कर रहा है। सो गाइज, ये था इस एपिसोड का रिव्यू। आपने एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपको नहीं लगता है कि सई के साथ, मेघा के साथ, उषा जी के साथ गलत हो रहा है? ये लोग ग्रुप बनाकर टारगेट कर रहे हैं इन लोगों को, और जो गलत लोग हैं उन्हें बचा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि पुष्कर को खुल करके सपोर्ट करना चाहिए? ऐसे पॉइंट रखो आपकी सामने वाला निरुत्तर हो जाए। रेशम ने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है कि वो घर में रहना डिजर्व करती है? पूरे महाराष्ट्र में, बाहर दुनिया भर में लोग कह रहे हैं कि इसको निकालो, लेकिन घर में हर्षदा, जो कि बाहर से सब देख के आई है, वो पहली थी जिन्होंने रेशम को हक किया, और वाह वेल डन। मतलब हर्षदा की हिपोक्रेसी भी खुलकर एक्सपोज हो गई कि वो कहती है कुछ, करती है कुछ। तोता नहीं होता, एक तोता जितना बोल दो उतना रट के बोल देता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब वो आई थी वहां पर, जब उनकी एंट्री हुई थी, उसके बाद उन्होंने रेशम एंड राजेश के लिए जो बोला वो मे बी एक स्क्रिप्ट का हिस्सा था, या उन्हें बोल के भेजा गया कि इतना बोल देना बस, क्योंकि उस दिन बोला कुछ और, अब आप उसी पर्सन को डिफेंड कर रहे हो, तो ये खुलकर आपकी डबल ढोलकी, आपके हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर रहा है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें डीएसके टॉक्स। एंड यस गाइस, डीएसके की फेवरेट टीम सीएसके फाइनल में पहुंच गई है। अभी ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, अभी फाइनल बाकी है। फाइनल जब आएगा तब अपन बात करेंगे। टेक केयर। हाँ।